नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी ये डिश देख रहे हो, ये चटनी है, वो भी वो सेजवान चटनी। जैसे आप चाइनीज के गाड़ी पे जाते हैं खाना खाने, अभी बारिश भी हो रही है तो हमें चाइनीज के आइटम बहुत पसंद होती है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सेजवान चटनी कैसे बने, वो भी बिना ऑयल के बनाने और झटपट बनने वाली। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्ची ली हुई सूखी वाली, उसको मैंने 2 घंटा भिगो के रखा था क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा था, ओरिजिनल कलर आता है रेड वाला, इसीलिए यही लेनी है हमें कश्मीरी सूखी मिर्ची। यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्ची ली हुई है और यहाँ पे 20 या 25 लहसुन की कलियां ली हुई है क्योंकि ये इसका ही ज्यादा टेस्ट आता है, हम जब सेजवान चटनी बनाएंगे तो यही ज्यादा चाहिए। और यहाँ पे मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ, उसको मैंने छील के रखा है। इतनी सामग्री हमें चाहिए। मैंने मिक्सी जार लिया, पहले हम लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, अदरक, हरी मिर्ची और कश्मीरी चिल्ली मिर्ची लेंगे सूखी वाली, अभी 2 घंटा हमने भिगो के रखा था वो वाली लेंगे। इसको मिक्सी जार में अच्छी तरह से प्यूरी करना है, एकदम प्यूरी, इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी प्यूरी हम लोग इसमें कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में ऐसी प्यूरी कर ली है दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं कैसा करना है। यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है दोस्तों, पैन हमारा गर्म हो गया, यहाँ पे हम चटनी ऐड कर देंगे, बिना ऑयल का हम बना रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे, 1 मिनट चलाना है, ज्यादा नहीं चलाना, खाली 1 मिनट चलाना है। इसी तरह से इसको थोड़ा अच्छी तरह से पकाएंगे चटनी को हम थोड़ा, नहीं तो हम जब खाने बैठेंगे तो कच्चापन आए, मतलब कच्चापन आ जाएगा। तो हमें 2 मिनट 1 मिनट जैसे ही पकाना है, ज्यादा नहीं करना है। बोल ये चटनी इतनी टेस्टी लगती है दोस्तों, तो आप जो चाइनीज के गाड़ी पे खाते होगे वो चटनी आप भूल जाओगे, इतनी परफेक्ट चटनी बनती है। इस तरीके से आप चटनी बनाओगे तो बस आपका मुंह का स्वाद एकदम दुगना हो जाएगा जब आप चाइनीज खाने बैठोगे ना तब। तो आज इतनी मस्त चटनी बन रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है। अभी 1 मिनट ऐसे हम लोग पका लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट हो गया हमारा, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच विनेगर डाल दिया हुआ है, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे हम। यहाँ पे 1/2 टीस्पून जैसी शक्कर डालेंगे, अजीना मोटो डालेंगे 1 चम्मच क्योंकि इसका ही टेस्ट होता है, 1 चम्मच मैंने पूरा लिया था। और यहाँ पे हम 3 चम्मच ब्लैक वाला डालेंगे, सोया सॉस 3 चम्मच डालना है हमें। और यहाँ पे 1 कप जैसा पानी ऐड करेंगे, इतना 1 कप। आपको ज्यादा गाढ़ा चाहिए या पतला चाहिए आपके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 कप डालने वाली हूँ तो इसको एकदम कड़क उबाल आने तक हम पकाएंगे, 5 मिनट तक पकाने कड़क, थोड़ा भी एकदम नॉर्मल नहीं पकाना है, तब हमारी चटनी कहाँ अच्छी बनेगी। तो हम इसे ऐसे ही 5 मिनट कड़क उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक एकदम कड़क उबाला, देखो हमारी एकदम गाढ़ी गाढ़ी चटनी हो गई है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर का भी यूज नहीं किया है, तेल का भी यूज किया नहीं, बिना ऑयल और बिना कॉर्नफ्लावर के हमने सेजवान चटनी बनाई हुई, एकदम परफेक्ट बनने वाली। देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, घर पे बनाना है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है कैसी बनी सेजवान चटनी। तो ये देख रहे कलर भी कितना अच्छा आ गया है और गाढ़ापन भी एकदम परफेक्ट हो गया है। अभी हम इसको सर्विसिंग बाउल में लेते हैं, गैस बंद कर लेते हैं अभी और सर्विसिंग बाउल में ले लेते हैं। अभी देखा ना दोस्तों मैंने कैसे बना दी सेजवान चटनी, वो भी घर पे, वो झटपट बनने वाली और बिना ऑयल और बिना कॉर्नफ्लावर के। तो आप देख ही रहे हो, रिजल्ट आपके सामने ही है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।